वेलकम टू बिजनेस टाइकून। मैं हूं आदित्य बंसल, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शेयर बाज़ार क्या होता है और इसमें निवेश की शुरुआत कैसे करें और डीमैट अकाउंट कैसे खुलता है और क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें इसके लिए होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा। उसको चलने से पहले अपने वीडियो की तरफ, ये मेरे पिछले वीडियो हैं, भारत के दो बेहतरीन म्यूचुअल फंड क्या है, 300 से भी कम का स्टॉक, एक ये रिचार्ज वाला बताया था मैंने वीडियो, एक ऐप्स है फ़ोन पे जिसे आप नेट बैंकिंग या बैलेंस चेक कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, बहुत अच्छा है। और ये कमीशन भी दे रही है झुनझुन वाला का स्टॉक, ये बिटकॉइन, जिसने नहीं ख़रीदा है वो ज़रूर ख़रीदे, बहुत अच्छा स्टॉक है। इसमें बिटकॉइन कैसे ख़रीदा जाता है ये बताया हुआ है और कौन सा एक्सचेंज बिटकॉइन ख़रीदारी कराता है वो भी बताया हुआ है। और भी मेरे पिछले वीडियो हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं कि मार्केट शेयर बाज़ार क्या होता है। शेयर बाज़ार क्या होता है? जब भी हम किसी बाज़ार की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में किसी दुकान या मॉल, यहाँ बहुत सारी दुकानें होंगी, वहाँ हम जाके ख़रीदारी करेंगे, उसका ख्याल आता है। एक ही तस्वीर बनती है जो मॉल या दुकान की होती है, लेकिन शेयर बाज़ार ऐसा नहीं है। यहाँ शेयर ख़रीदने या बेचने का काम पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक होता है, जो ऑटोमेटिक तरीके से होता है। जहाँ सौदे डाले जाते हैं या इसको बिड बोलते हैं, और ऑटोमेटिक होता है। यहाँ सौदे ब्रोकर की मदद से डाले जाते हैं, जिसको आप दलाली और ब्रोकरेज देनी होती है। और देश में मुख्यतः दो तरह के एक्सचेंज हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो शेयर बाज़ार में ट्रेड कराते हैं, यानी शेयर बाज़ार में मुनाफा कमाने के लिए शेयरों की ख़रीदारी इन्हीं एक्सचेंज में होती है और सारी कंपनियां इन्हीं में लिस्ट होती हैं। इन दोनों के अलावा और में कोई कंपनी लिस्ट नहीं होती। कोई कंपनी BSE में लिस्ट हो सकती है, NSE में भी हो सकती है, या BSE अकेले में भी हो सकती है, या इन दोनों में भी हो सकती है। उस हिसाब से सारी कंपनियाँ जो आप जानते हो, SBI, HDFC, सारी कंपनियां इन सब में लिस्ट होती हैं। और आगे शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे करें, इसमें निवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एंटर होने के लिए आपका एक अकाउंट होता है जिसे डीमैट अकाउंट बोलते हैं। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? जिस तरह बैंक में पैसा जमा करने या निकालने के लिए आपको एक अकाउंट की ज़रूरत होती है कि जिससे अपना पैसा निकल जाए या जमा हो जाए, या आपको FD करना है तो भी बैंक अकाउंट की ज़रूरत होगी, उसी तरह शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए एक अकाउंट होता है जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। यहाँ आपको बोनस शेयर मिलता है, सब डीमैट अकाउंट में आएगा। जो भी मिलता है आपको पैसे, शेयर बेच के निकले तो भी डीमैट अकाउंट में आएंगे। डीमैट अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और बैंक से आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और उसी प्रकार शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट तो ज़रूर खुलवाना पड़ेगा। इस अकाउंट से आप NSE और BSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज में सारे शेयरों में ट्रेड कर सकते हैं। आपको ऑप्शन में करना है, फ्यूचर में करना है, सारे ट्रेड डीमैट अकाउंट के माध्यम से ही होते हैं और उसी में होते हैं। और आप म्यूचुअल फंड भी ख़रीद सकते हैं, इससे म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदना है तो डीमैट अकाउंट के माध्यम से वो भी ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है? पहले तो आपको जिस ब्रोकर के द्वारा खुलवाना है उसका फॉर्म लगेगा, और आपके फ़ोटो, दो या तीन जो फ़ोटो लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए, और कोई ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास आधार कार्ड और कोई एड्रेस प्रूफ दूसरा है तो वो,
और बैंक की 6 महीने का स्टेटमेंट उसकी, और एक क्रॉस चेक, और अकाउंट ओपनिंग की फ़ीस, बस यही लगता है जिससे आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। आजकल ऑनलाइन भी ओपन हो रहा है दोस्तों। एक शेयर, मेरे हिसाब से शेयर में ट्रेड करने के लिए मेरे हिसाब से दो ही चीज़ ज़रूरत होती है, एक तो आपका डीमैट अकाउंट हो और कैसा हो वो बताऊंगा मैं आगे, जिसमें आप अच्छी तरह ट्रेड कर सकें, यानी ऐसा ब्रोकर जिसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा हो, जिसमें आसानी से बिना समस्या के ट्रेड हो सके, और दूसरा कम ब्रोकरेज हो जिसकी दलाली बहुत कम हो, क्योंकि आप अपनी कमाई उसी को दे देंगे तो फिर क्या मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस करने का। इसीलिए आप ऐसे ब्रोकर के द्वारा अकाउंट खुलवाएं जिसकी ब्रोकरेज बहुत कम हो और जिसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा हो, बहुत आसानी से खुल जाए, ज़्यादा परेशानी नहीं आए और सभी काम अच्छे से हो जाएं। ऐसा एक ब्रोकर है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत अच्छा ब्रोकर है वो, मेरा भी उसी में अकाउंट है, जिसका काम बहुत अच्छा लगा मुझे, और वो उसे अकाउंट ओपन करने के लिए आप मेरे दी हुई लिंक पर जाइए, वहाँ आप साइन अप कर सकते हैं, या कॉल मी का ऑप्शन है, आप दोनों करेंगे वहाँ से ब्रोकर आपको कॉल करेगा, उससे आप जानकारी ले लीजिए कैसे क्या करना है, उसी तरह आप शेयर बाज़ार में ट्रेड करके पैसे की शुरुआत कीजिए, और धीरे धीरे ही शुरुआत कीजिए, और SIP के माध्यम से जो मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि आप धीरे धीरे हर महीने इन्वेस्ट करते जाइए, एकदम जल्दी करोड़पति बनने की ना सोचिए। आपका थैंक यू, और आप मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और ऐसे ही मैं आपको अगले वीडियो लाता रहूँगा। अगला वीडियो लाऊँगा मैं, इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं पर उसकी कैसी कॉमन मिस्टेक जो अधिकतर लोग करते हैं, और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाऊँगा। थैंक यू।